हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि आप अगर इंटर का स्टूडेंट थे या फिर मैट्रिक का स्टूडेंट थे और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंदर आप फॉर्म अप्लाई किए थे, मीन्स बिहार सरकार का जो एक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई किए थे, पैसा के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे बिहार के अंदर, तो आप कैसे पता करेंगे कि मेरा पैसा वो कन्या उत्थान योजना आया है अकाउंट में या नहीं? मीन्स पैसा आया है अकाउंट में, नहीं आया है, आप ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करेंगे, वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। बस शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहे इस वीडियो में। अगर आपको इस टाइप से और भी अगर कंप्यूटर से संबंधित या फिर इस टाइप से फॉरम से संबंधित अगर जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा। तो चलते हैं, हम लोग जानते हैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को कैसे ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे ये पैसा आया है या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्रोम को ओपन कर लेना होगा। ये आप मोबाइल में भी कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर सिस्टम है उस पर भी कर सकते हैं, वो दोनों में बहुत इजी वे में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम होता है मेगा शॉप पोर्टल, ठीक है। अब जैसे लिख करके आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखिएगा एक यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, मीन्स वेबसाइट आ जाएगा। वेबसाइट देखिए लिखा हुआ है bis.in.nic.in, जो कि यहाँ पर मेगा सूची यहाँ पर वेबसाइट आ गया, मेगा शॉप यहाँ पर वेबसाइट आ गया, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। अगर वीडियो में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, मैं आपका कमेंट्स का जरूर से जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको चलना होगा नीचे और देखिए लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2023, मीन्स 2023 में आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आया है या नहीं आया है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर बताया कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं, और साथ में जो स्टूडेंट 19, 20 और 21, 22 में पास किए हैं उस सभी फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, मीन्स सारा स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए। लेकिन यहाँ पर इससे पहले आप लिस्ट में नाम चेक कर लीजिएगा कि मेरा नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंदर या नहीं है। अगर है तो पहले फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, और मैं इस उस स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तो वो कैसे चेक करें कि मेरा पैसा आया है या नहीं। तो चलते हैं फिलहाल इस टॉपिक की ओर। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। हाँ, मैट्रिक और इंटर दोनों को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर मैट्रिक के लिए आप अप्लाई कर रखे हैं या फिर इंटर के लिए, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो एक और यहाँ पर पॉपअप खुल के आएगा, हल्का सा टाइम लगाएगा, 2 मिनट या फिर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरह से अकॉर्डिंग टू नेट स्पीड, ठीक है। अब उसके बाद आपको चलना है नीचे की ओर, स्क्रॉल करके चलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जस्ट तो यहाँ पर ही दिया हुआ है, देखिए ऊपर रिपोर्ट्स में देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है नीचे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद कि आपका ये पैसा आपके पास आया है या नहीं आया है। हाँ, ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा जो कि आपका मार्कशीट पर होगा। मैं यहाँ पर इंटर का चेक करके बता रहा हूँ कि इंटर का जो पैसा आपका खाता में आया है या नहीं आया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैपिटल में आर प्रेस करना होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ पर माइनस दे देना होगा, और जो भी है यहाँ पर कैपिटल अक्षर में, फिर माइनस और 2021 यहाँ पर है तो लास्ट वाले 21 डाल देना है, उसके बाद सर्च कर लेना है। मार्कशीट पर रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर, उस पर आप देख लीजिएगा और यहाँ सर्च करिएगा। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो कंप्लीट यहाँ पर डिटेल बता जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, सब चीज़ आधार नंबर आ जाएगा, बैंक का स्टेटस यहाँ बताएगा, और यहाँ पर देखिए बेनिफिशियल स्टेटस यहाँ बताएगा, और साथ में फाइनलाइज में देखिए यस लिखा हुआ है, और इधर देखिए लिखा हुआ है प्रोसेस, मीन्स इन प्रोसेस का मतलब होता है कि आपका अप्रूवल हो गया है, आपका जो खाता था, आपका जो ये आपका मैट्रिक या फिर इंटर का जो अप्लाई किए थे कन्या उत्थान योजना के लिए, वो आपका प्रोसेस में है, मीन्स एक सप्ताह के अंदर अंदर आपका अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। अगर आपका इस तरह का स्टेटस में शो कर रहा है, इन प्रोसेस अगर दिखता है और यहाँ यस नजर आता है तो समझ जाइएगा कि आपका पैसा एक सप्ताह के अंदर अंदर आपका खाता में पैसा आ जाएगा। हाँ, अगर कुछ भी इस वीडियो में दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, इसमें समझने में प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। हाँ, एक चीज़ और, अगर यहाँ पर इन प्रोसेस अभी लिख रहा है,
अगर यहाँ पर डन लिख देता है मीन्स अगर इन प्रोसेस में, तो समझिए कि एक सप्ताह के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा। वापस से आप एक सप्ताह के बाद अगर आप चेक करिएगा और यहाँ डन लिख जाएगा तो आप कैसे चेक करेंगे कि हमारे अकाउंट में पैसा आया कि नहीं। तो दो तरीका है, एक तो कि आप बैंक जाकर के आप चेक कर सकते हैं और दूसरा आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हल्का सा चेंजिंग है वेबसाइट में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक वेबसाइट के यहाँ पर नाम लिखा हुआ है PFMS। इस वेबसाइट पर भी जाकर के ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि मेरा पैसा आया है कि नहीं। हाँ, अगर इसमें दिक्कत अगर होता है आपको तो कमेंट्स करिए, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका कमेंट्स आता है तो मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि पैसा खाता में आ गया है या नहीं आया है, अगर यहाँ डन लिखता है तो। फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।